भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, तदा मिथुन धर्मेणो प्रजा हे धाम्य बहुविरे सचापि सतरूपाया पंचापत्यान्य जीवजनत। महाराज मनु और महारानी सतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, मैथुन धर्म से 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे। मनु सतरूपा की 5 संतानें हुई। समय बीतने पर महाराज मनु ने जब देखा कि बेटियां बड़ी होने लगी हैं, विवाह योग्य हो चुकी हैं, तो आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ कराया। अब सबसे छोटी पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति जैसा नाम है वैसा गुण है। देवहूति जिसकी आहूति देने पर, जिसके बुलाने पर देवताओं को भी आकर के खड़ा होना पड़े, वो देवहूति, परम सुंदर देवहूति। तो मनु महाराज को देवहूति के योग्य अब तक कोई वर नहीं मिल रहा है, क्योंकि देवहूति कोई साधारण कन्या नहीं है, साध्वी की तरह है, साध्वी तपस्विनी की भांति जीवन जीने वाली। महाराज मनु खोज रहे हैं कि देवहूति के योग्य कोई वर मिल जाता। और यहां ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से आकर के कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को आदेश दिया है कि हे ऋषि कर्दम, अब आप इस सन्यासी जीवन को छोड़ें और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करें। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी की बात मानी, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले कर्दम ऋषि भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए चले गए। और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रजा सृजेति भगवानो, प्रजा सृजेति भगवानो कर्दमो ब्रह्मणोदिता, प्रजा सृजेति भगवानो कर्दमो ब्रह्मणोदिता, सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादसो। 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। देखिए, वहां मनु महाराज और महारानी सतरूपा ने भी तप किया, यहां कर्दम ऋषि ने भी तप किया। इसका मतलब यह है कि तपस्या शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। अपने जीवन को प्रारंभ करने से पहले, नए जीवन को शुरू करने से पहले कर्दम ऋषि ने भी सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस, सरस्वती के किनारे बैठ करके 10,000 वर्ष तक तप किया। लेकिन मां सरस्वती के तट पर ही तप क्यों किया? गंगा मैया के तट पर करते, यमुना मैया के तट पर करते, नर्मदा मैया के तट पर करते, सरस्वती ही क्यों? क्योंकि गंगा के तट पर तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, यमुना मैया के तट पर तपस्या करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, मां नर्मदा के तट पर तपस्या करने से यदि अति शीघ्र रिद्धियां और सिद्धियां चाहिए है तो भगवती नर्मदा की शरण में जाना चाहिए। नर्मदा के तट पर तप करने से रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति होती,
लेकिन माँ सरस्वती के तट पर तपस्या करने से सत्संग की प्राप्ति होती है, इसलिए सरस्वत्याम तपस्ते पे। सरस्वती के तट पर 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तप किया। कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के पूछते हैं कि बताओ महर्षि कर्दम, इतने कठोर तप का कारण क्या है? कर्दम ऋषि उत्तर देते हैं कि हे नाथ, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वेदांत सार कहता है धन्यो गृहस्थ आश्रम। आश्रम चार हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 5 से लेकर के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है, 25 से लेकर के 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ और 75 से मृत्यु पर्यंत जब तक जीवित है। अब 75 से 80 हो, 75 से 85 हो, 75 से 90, 100, 75 से मृत्यु पर्यंत सन्यास। लेकिन वेदांत सार नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। लेकिन कब कहा? तब धन्य है जब संयम, नियम, आचार, विचार, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, दयादान, भजन, पूजन, कीर्तन इत्यादि करते हुए गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन किया जाए, तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। भगवान ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या है? कर्दम ऋषि उत्तर देते हैं कि हे भगवन, तथा सचाहम परिबोध कामा समान शीला ग्रह मेद धैनु उपेवान मूल मसेस मूलम दुरासयः काम दुघांग्री मूल। हे भगवन, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं और प्रवेश करने के लिए मैं अपने अनुरूप, अपने अनुकूल स्वभाव वाली, सुंदर गुणों वाली, सुंदर आचरण वाली सीलवान कन्या से विवाह करना चाहता हूं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अकेले प्रवेश करना बड़ा कठिन है और अकेले अपनी इंद्रियों को बस में रखना उससे भी ज्यादा कठिन है, इसलिए समान शीला, मुझे मेरे जैसे स्वभाव वाली पत्नी चाहिए, जो मेरे जैसे आचरणवान हो, शीलवान हो, सरल हो, सहज हो, मेरे अनुरूप हो, मेरे अनुकूल हो, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। इसलिए मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं और तपस्या मैंने की है, इसलिए की कि मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, शीलवान, गुणवान, आचरणवान। भगवान ने कर्दम ऋषि की बात सुनी और भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि हे कर्दम ऋषि, आप चिंता ना करें, आज से 2 दिन के बाद महाराज मनु और महारानी सतरूपा अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, जो हर तरह से आपके अनुरूप और आपके अनुकूल हैं। जब देवहूति के विवाह का प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा जाए तो मना मत करिएगा, हाँ कह देना, क्योंकि देवहूति आपकी ही तरह है। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हुए। कर्दम ऋषि 2 दिनों के बाद तपस्या से उठे थे, पूजन सामग्री व्यवस्थित कर रहे थे और भगवान नाम संकीर्तन गा रहे थे। उसी समय
महाराज मनु, महारानी शत्रुपा अपनी प्रियपुत्री देवहूति को लेकर के पधारे। मनु शत्रुपा और देवहूति ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने इन तीनों को प्रणाम किया और इनके बैठने के लिए कर्दम ऋषि ने तीन आसन बिछाए। महाराज मनु और शत्रुपा आसन पर बैठ गए, पर देवहूति आसन पर नहीं बैठी। देवहूति आसन पर इसलिए नहीं बैठी, सोच रही है कि ये आसन मेरे पतिदेव जो होने वाले हैं उन्होंने बिछाया है, तो कैसे बैठ सकती हूं। लेकिन आसन को सम्मान भी देना था, इसलिए क्या किया जाए, आसन पर बैठी तो नहीं पर दाहिना हाथ आसन पर रख लिया। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए कि ये जो कन्या है ये मेरे अनुरूप है। जानते हुए कर्दम ऋषि ने पूछा महाराज मनु से कि हे महाराज, आपके आने का कारण क्या है? आप चाहते तो मुझे बुलाते, मैं स्वयं आता। तब महाराज मनु उत्तर देते हैं कि हे महर्षि कर्दम, तत्प्रतीक्ष दुजाग्रेमा श्रद्धयोपरता मया सर्वात्मनानुरूपाते ग्रहमेधिशूकर। महाराजा मनु ने कर्दम ऋषि से कहा कि हे भगवान, बड़े दिनों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वाट देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे, तत् प्रतीक्ष दुजाग्रेमा, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, वो मेरी लाडली प्यारी पुत्री देवहूति है जो गृहस्थी के घर गृहस्थी के कार्यों में हर तरह से आपके अनुरूप और आपके अनुकूल है, आपके जैसी है, बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे आप चाहते थे। इसलिए हे भगवान, आप हमारी कन्या को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें, हम अपनी कन्या आपको सौंपने आए हैं। कर्दम ऋषि ने महाराज मनु की बात स्वीकार की। कुछ समय के पश्चात ब्राह्म विधि से महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न कराया। विवाह के बाद महर्षि कर्दम तुरंत तपस्या करने के लिए बैठ गए। यहां देवहूति भी अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं, दिन रात पतिदेव की सेवा करती हैं। हजार वर्ष के बाद कर्दम ऋषि जब तपस्या से जागे उठे तो कर्दम ऋषि को प्रसन्नता हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की हुई कि जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, और दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र से होना चाहिए लेकिन इसका विवाह मेरे जैसे ऋषि से हुआ है, इस बात का दुख हुआ। कायेन भूयसा क्षामा करसिताम व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यभी। प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। महर्षि कर्दम ने देवी देवहूति से कहा कि हे देवी, भगवत प्रसाद के रूप में जो शक्तियां मुझे मिली हैं उन शक्तियों पर आपका भी पूर्ण अधिकार है। आश्रम में बिंदु नाम का एक सरोवर था, कहा आप जाइए और जाकर के उस सरोवर में स्नान कराइए। देवहूति सरोवर में स्नान करने पहुंची और जब स्नान करके वापस आई तो देवहूति को परम सुंदरता की प्राप्ति हुई। देवहूति पहले भी परम सुंदरी थी लेकिन तपस्या के कारण दुबली पतली कृशकाय हो गई थी, बालों में लड़ियां पड़ गई थी, हड्डियां दिखने लगी थी।
और जब उस सरोवर में स्नान करके वापस आई हैं तो परम सुंदरता की प्राप्ति देवहूति को हुई। कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति से अपने आप को भी सुंदर बनाया, योग क्रिया से एक विमान बुलवाया। उस विमान में बैठ करके कर्दम ऋषि ने संपूर्ण संसार का भ्रमण किया। संपूर्ण संसार के भ्रमण के बाद नौ कन्याओं की प्राप्ति हुई और नौ कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज थे। कपिल देव जी के आते ही कर्दम ऋषि ने उनकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की और कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ कपिल देव जी जब कुछ बड़े हुए तो अपनी माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा कहते हैं। नौ प्रकार की भक्ति के विषय में बताया, साथ ही साथ वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत जी की दसवीं भक्ति कहा गया। दर्शन भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया, अष्टांग योग की शिक्षा दी। माँ देवहूति को कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है, भागवत में इसे कपिलोपदेश कहते हैं।